और अभी जो ये महामारी चल रही है कोविड-19, तो इसके लिए मैंने गांव में काफ़ी सारी सुविधाएं भी दी है, जैसे सैनिटाइजेशन वगैरह करवाया है गांव में, और जो गरीब लोगों को है, जो जिनका आजकल कोई काम धंधा नहीं है, तो उनको खाना वाना की व्यवस्था भी की है, राशन पानी दिया है। मैडम आपने अभी तक कितने लोगों को राशन वितरण, कच्चा राशन वितरण कर चुके हो? लगभग 50 लोगों को तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हैं हमारे गांव के, क्योंकि सब मजदूरी पे ही डिपेंडेंट हैं यहाँ पे, तो लगभग 50 फैमिली से उनसे ऊपर पैसे दिया है, लेकिन ऊपर ऊपर का आंकड़ा ही 50। मैडम जैसे कोविड-19 महामारी में कितनी समस्याएं गांव वालों के आपके सामने आई है, अधिकतर वो कौन सी समस्याएं जो आपके सामने आई है? बिल्कुल, राशन की तो सबसे पहले आई है, और ये जो बेरोजगार आजकल जिनकी शॉप्स हैं वो बंद रही हैं कुछ दिनों तक, तो उसकी भी आई है, और जो बेचारे मजदूर हैं वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जा रहे हैं, तो उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा है सोसाइटी में हमारी। मैम जैसे लोगों का यहाँ पे, ग्रामीण लोगों का कहना है कि उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो राशन डीलर है उनसे राशन नहीं मिला है, उसमें आप क्या एक्शन लेंगे? नहीं, मैंने उनको बोला है अगर जिनका आया है, बाकी तो APL वालों के लिए थोड़ा राशन कम है, लेकिन बाकी बाकी BPL वालों के लिए राशन आया है, और जिनके लिए नहीं आया है उनको।